हमारे खास कार्यक्रम स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनको हम चंद शब्दों में नहीं बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, और इससे बढ़कर सहज उपलब्ध, और ये कहा जाए कि हर चीजों में बिल्कुल आपकी जो बयानबाजी है बिल्कुल सामने देख सकते हैं जी। हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। और ये बताएं कि सबसे पहले जो जिस तरह से अभी जो तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है श्योपुर में है, तो किस तरह की तैयारी, बड़े नेताओं का लगातार आना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी 11 तारीख को संभवत या परसों वहां जाने वाले हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आने वाले हैं, ये जानकर पूरा प्रदेश पुलकित है, हर्षित है, आह्लादित है। वो जो चीता आ रहे हैं अपने यहां पर, उनको बाड़े में छोड़ेंगे, उसके साथ ही हमारी मातृशक्ति जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और उसके बाद फिर वो जो आशीर्वाद देके निकल जाएगा। कि उनका उस दिन जन्मदिन भी है, कुछ अलग से कुछ तैयारी प्रधानमंत्री? अलग से नहीं है, तो गरीबों के लिए उनका पूरा जीवन ही देश के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित वो खुद ही कहते हैं, और इसलिए पूर्णतः वो इसी तरह से मनाते हैं। दिवाली सैनिकों के बीच में मनाते हैं, जाके कारगिल जैसी चोटियों पर बर्फ में चले जाते हैं, और जन्मदिन भी इसी तरह से मनाते हैं। खास कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करते हैं आम करते हैं। ये देखा जाता है कि अभी विधानसभा सत्र भी आने वाला है, और विपक्ष हमेशा एक ही बात कहता है कि सत्र बहुत छोटे हो रहे हैं या सत्र पूरे नहीं होते हैं, और पूरा पिछले लंबे समय से वो इस तरह की बात भी उठा रहे हैं। और गोविंद सिंह जी ने भी कहा कि भाई चर्चा करना से बीजेपी जो है बचती रहती है। क्या इस बार कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं सत्र में, कुछ नया कुछ किया, उनको कुछ मौका देने वाले? हमने चर्चा से कब बचे वो बताएं, वो सत्र तो पिछले ही पूरा चलाया था। आप हल्ला करते हो तब चर्चा बाधित होती है। आप गुणदोष के आधार पर कोई भी चर्चा करो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन आप हंगामा क्यों करते हो, हल्ला क्यों करते हो? ये सदन जनता की गाढ़ी कमाई से चलता है, और अगर हमें ये फ्लोर जो मिला है ये संवाद के लिए मिला है, यह बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धिबल का काम है। आप अपने बुद्धिबल से, अपने तर्क के द्वारा अपनी बात रखिए, जवाब सुनने की क्षमता रखिए, ऐसा करते ही नहीं है। एक तो अब नेता प्रतिपक्ष बदल गए, तो शायद थोड़े समय रहे, पहले पूर्व के नेता प्रतिपक्ष रहते भी नहीं थे। वक्ता आगे की पंक्ति में कोई है नहीं, अब आगे पंक्ति में आप देखो कमलनाथ जी हैं, माननीय गोविंद सिंह जी हैं, फिर आर एफ अकील जी हैं, फिर के पी सिंह जी हैं जी। अब इनमें स्थिति में आप देखो कोई वक्ता है क्या? इस कारण से फिर वो हो अल्लाह को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जी। लेकिन पिछले जो एक रिकॉर्ड रहा है, उनको ये लगता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी मुद्दे उठाना या दूसरे उठा नहीं पा रहे हैं वो लोग किसी तरीके के। कौन रोक रहा है ये वो स्पष्ट करें ना, हम हमसे नहीं कह रहे, तो मीडिया से कह दें कि भाई स्वराज वाले रोक रहे हैं, साधना वाले रोक रहे हैं, जी वाले रोक रहे हैं, ई वाले रोक रहे हैं, वो कहें ना। जब किसी का नाम तो रखना पड़ेगा ना, कोई भी नाम रख दे, मतलब व्यक्तियों के नाम मैंने इसलिए नहीं लिए हैं कि कोई किसी का तो नाम रखे। कौन रोक रहा है, कौन बोलने नहीं दे रहा है? लेकिन डेमोक्रेसी में ये संभव थोड़ी, और मान लो किसी ने आपको रोका है तो आपको कहना चाहिए। अब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू हो गई है, यहाँ भी 16 दिन तक राहुल गांधी रहेंगे, यहाँ पर महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद स्नान भी है, और यहाँ पर 16 दिन की पदयात्रा है। स्वागत है उनका, पर जो वो जनता से झूठ बोल गए थे 10 दिन के अंदर 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देंगे, अगर नहीं माफ कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, वो जो जनता से कह गए थे कि नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे और अगर 10 दिन में नहीं दे पाए हैं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो बताएं आके वो कि वो क्यों कह गए थे, और कह गए थे तो 10 दिन में क्यों नहीं माफ किया, और नहीं माफ किया तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया पर मुख्यमंत्री नहीं बदला था जी। लेकिन लगता है कि उस यात्रा के बाद कांग्रेस में कुछ ऊर्जा दिखेगी क्या? यहाँ पर 0 में 0 जोड़ने से अंक थोड़ी बनता है जी। यात्रा का सवाल नहीं है, ये देश की जनता है, ये बड़ी मार करतार की मन से देव होता, यहां फिर वापस नहीं आता। देखने में आया कि
हर विवादित मुद्दे पे आप बिल्कुल आपका बयान रहता है। अभी हाल में ही जो आलिया और रणवीर वाला हुआ, इसके पहले दुर्गा पूजा या इसके पहले जो आश्रम फिल्म, आपने लगातार किसी को बिल्कुल बख्शा नहीं है। मतलब ये देखा जाए कि जहाँ पे जो कार्रवाई करनी है या जो हो रही है उसको आपने की है। एक हिंदुत्व का चेहरा बनकर नरोत्तम मिश्रा जी नहीं सामने आ रहे हैं पूरा? सच का साथ देना कोई चेहरा बनना थोड़ी होता है, और अगर मैं सच नहीं कहता तो अभी हाल के प्रकरण में उनने जो वापस लिया जो विषय था इसका, क्या बोलते हैं जी, आलिया भट्ट वाला मान लें, इसका रणवीर का भी मान लें, और उसके पहले एक विषय था वो मूवी काली तो तांडव था, ऐसे तो सूटेबल बॉय थी, उसके पहले बहुत सारी थी, सबसे लास्ट वाली बता रहा था मैं जिसमें उन्होंने वापस लिया था अभी 2-3 दिन पहले ही। तो ये सब इसलिए कि वो जब आप किसी एक ही धर्म को टारगेट करोगे, सॉफ्ट टारगेट मानोगे, हमारे ऊपर ही फिल्म बनाओगे आप, हमारे ऊपर ही टीटी बनाओगे आप, क्यों? हमारी आपत्ति इतनी सी, और कोई आपत्ति नहीं है। आप एक आध बार किसी दूसरे धर्म पर भी तो बनाओ, हमारे देवताओं में ही कमियां ढूंढते हो आप, एक आध बार किसी और देवता में भी तो ढूंढो, नहीं है तो यही कह दो कि उनमें कोई कमी नहीं, तुम्हारे में ही कमी है। पर हर बार हिंदू धर्म को नहीं करना चाहिए। तो जब जब इस तरह से कोई बात रखेगा, आप बिल्कुल अपनी बात जरूर रखेंगे? मेरे को लगता है कि मैं गृहमंत्री हूं, कि मेरा फर्ज है, मुझे रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोग विवादित चीजों से बचते नजर आते हैं बाकी लोग, लेकिन नहीं, बाकी बचता कोई नहीं है, हमारी पार्टी में सब एक मुट्ठी होकर काम कर रहे हैं। मेरे पास विभाग है इसलिए मैं सामने आता हूं, मैं सरकार का पक्ष भी रखता हूं, स्पोक पर्सन हूं, इसलिए भी मुझे आना पड़ता। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश शांति का टापू लगातार बनते जा रहा है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की घटनाएं आती हैं, जैसे आज JMB वो NIA ने पकड़े या बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात होती है, कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो यहां पर कोई जानबूझ किस तरह का टारगेट करके कोई यहां आता है? फिर यहां आता है तो पकड़ा जाता है, इतनी सी बात है, यहां किसी को सर उठाने देंगे ही नहीं हम। और यहां आप ये मान के चलिए कोई संगठित गिरोह बचा भी नहीं है। एक समय था जब ग्वालियर चंबल में डाकू हुआ करते थे, यहाँ बिंद तक ये ठोकिया और ददुआ यहाँ तक थे, हम आगे बढ़ जाएं बालाघाट में तो लखीराम कांवरे जी की घर में घुस के हत्या कर दी थी, नक्सलाइट थे, हम मालवा में जाएं तो सिमी थे, आज न तो ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड और बिंद तक कोई चिन्हित और इनामी गैंग है, न बालाघाट में हम नक्सली को बढ़ने दे रहे हैं, 93 लाख रुपए के नक्सली हम या तो मार चुके या जेल में डाल चुके, और ऐसी सिमी का नेटवर्क हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो संगठित अपराध जो होता है वो बाकी घटनाएं घटती हैं, और घटनाएं घटने में भी आज तक कोई अपराधी को हमने बाहर घूमने नहीं दिया, अंदर ही कर दिया 3 दिन के अंदर। एक प्रयोग भी हुआ था जो कमिश्नर प्रणाली का, अभी 8-9 महीने होने को आ रहे हैं, ये प्रयोग को सफल प्रयोग है, जारी है, चल रहा है प्रयोग, लेकिन लगता है और दूसरे शहरों में, अब ग्वालियर जबलपुर जैसे शहरों में कुछ साल भर हुई नहीं है उसे, एक बार एक साल हो जाए और फिर हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद में राय देंगे, अभी जल्दबाजी हो जाएगी थोड़ी। अभी अभी किसी तरह का आपने देखा किस तरह के या क्राइम में कमी हो या किस पूरे इस पूरे कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव जो रिपोर्ट आई है उससे कुछ समझ में आया? नहीं, अभी तो ठीक दिशा में चल रहे, जबलपुर और ग्वालियर में भी जल्दी लागू करेंगे, एक साल की समीक्षा, एक साल की समीक्षा हो जाए। एक अब देखा जाए तो चुनाव के लिए कम समय रह गया, क्योंकि पार्टी स्तर पर भी लगातार हर जगहों पर दौरे और रैलियां हो रही हैं, शिवराज जी कर ही रहे हैं इसको, एक साल बचा हुआ है, लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत लग रही है, क्यों? क्योंकि पिछले बार जो एक बार नेक टू नेक फाइट होकर मतलब बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार लगता है उससे ज़्यादा कहीं मेहनत करने की। हाँ, आप गलत हैं, बीजेपी जीत नहीं पाई थी मतलब वोट हमको ज्यादा मिले थे, कांग्रेस को ज्यादा नहीं मिले, सीट उनकी ज्यादा, सीट ज्यादा थी, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती मान लो या बदसूरती, पर हम जीते थे, हमारे वोट ज्यादा आए थे, उनकी सीट ज्यादा थी, लेकिन ध्यान रहे कि बहुमत उनको भी नहीं मिला था, ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, बहुमत उनको भी नहीं मिला था, उनने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा वाली बात थी, बसपा सपा निर्दलीय इनके हाथ पैर लगा लिए थे, लेकिन कुनवा आपने फिर उसको बिल्कुल नहीं, हमने काहे को, अब उनकी कांग्रेस टूटी, भाजपा थोड़ी टूटी है, हाँ वो तो फिर ऐसे टूटना ही था, स्वाभाविक था, उसको चलना ही नहीं था, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा,
एक सवाल और है कि अभी जिस तरह से जो निकाय चुनाव में ग्वालियर में बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, सिंधिया हैं, तोमर साहब हैं, फिर उसके बाद और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से अब काम करने की जरूरत है उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, उसके पीछे कुछ कारण देखते हैं क्या? मुरैना है, ग्वालियर, ये मतदान प्रतिशत उस दिन बहुत ज्यादा कम हो गया जी ग्वालियर का। एक बड़ा कारण ये था कि मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन मैं ऐसा कह के सफाई नहीं दे रहा, हार की समीक्षा लगातार कर रहे हैं हम, उस विषय पर लगातार चिंतन और मंथन हो रहा है, और अब हम ग्वालियर में बहुत अच्छी मतों से जीतने वाले हैं, बाकी के आने वाले दोनों तीनों चुनाव। एक हमेशा एक सवाल जो है सभी जगह ये रहता है कि नेतृत्व परिवर्तन मध्य प्रदेश का, वो हमेशा एक बार लगा रहता है। आप लोग ही पैदा कर देते हो इसको मीडिया, हम लोग कहाँ से, ये तो जब खबरें मतलब कहाँ से आती हैं? आप हमसे पूछ रहे हो, हम कह रहे हैं शिवराज सिंह जी का नेतृत्व तो है, था, रहेगा, अब ये खबर कहाँ से आती है? फिर तो मीडिया से ही आती है ना, कहीं सोशल मीडिया कह लो या वैसा मीडिया कह लो, अब ये आप ही खबर पढ़ते हो, आप ही उसको हवा बना देते हो, आंधी बना देते हो, आप ही आखिर में कहते हो कि शिवराज जी और मजबूत हुए। लेकिन पूछना तो आपसे ही पड़ता है ना, क्योंकि जब हम तो कह रहे हैं भाई कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगा, हम कहा उसमें हिच भी आई हमारे मन में बोलते हुए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि मोदी जी के चेहरे पे होगा जो कुछ, निश्चित रूप से होगा, मोदी जी के चेहरे पे क्यों नहीं होगा? अभी मध्य प्रदेश का चेहरा जो है, नहीं पहले भी मोदी जी के चेहरे पे हुआ था, सहायक के रूप में शिवराज जी थे, अभी भी वैसे ही होगा, जो चुनाव पिछले 3 हुए वैसे अब होगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप जो है इस समय ये कहा जाए नंबर 2 नेता हैं, और ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आप माने ना माने इसको, नंबर 2 आप नेता हैं और नंबर 1 बनने में ज्यादा समय लगना है, ये अलग स्थिति है। नंबर 2 तो है ही संवैधानिक रूप से, हम विधानसभा में भी नंबर 2 की सीट पर बिल्कुल बिल्कुल बैठते हैं, नेता है ये कहना ठीक इसलिए नहीं है कि नेता होना अलग बात है, पद मिल जाना अलग बात। मनमोहन सिंह पे पद रहा था 10 साल, पर नेता नहीं बन पाए थे, नेता सोनिया जी ही रही थी। लेकिन आप संविधान, हम लोग देख रहे हैं करीब 18-19 साल हो गए आपको मंत्री बने हुए, 2004 से या 3 से लगातार बिल्कुल हैं, ये माना जाए कि अब यदि कोई परिवर्तन होता है ऐसा, क्योंकि आप कह रहे हैं मीडिया मीडिया के पास भी खबरें आती हैं। नहीं नहीं आती है अलग बात है, वो बनाती हैं ये अलग बात है। लेकिन आती तो आपके पास से लोग नहीं, और बनाने में अंतर है, टेबल न्यूज है ना, तो टेबल न्यूज बन गई तो बन गई, एक हम आशंकाओं के आधार पर जब कोई चीज बनाते हैं, कल्पनाओं के आधार पर जब निर्णय लेते हैं, तो संभावनाएं ऐसी पैदा होती हैं। चलिए आप तो इस बात को बहुत आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन आसानी से मान रहा हूँ कि शिवराज सिंह जी नेता रहेंगे, इससे ज्यादा आसानी से कैसे मानूंगा आप बताओ। एक ये कहा जाए कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मतलब ये कहा अमित शाह की गुड बुक में आप हैं, आपको लगता है कि आपका अगला पड़ाव या आपको लगता है कि अब इस नेता के जैसे हमें आगे बढ़ना है, आपने कभी सोचा है? बहुत व्यक्तिगत सा सवाल है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसमें जो जिम्मेदारी दी है वो निभाना चाहिए। कैप्टन ने जहाँ खड़ा कर दिया कि स्लिप पे खड़ा किया, स्लिप पे, मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे, बॉलिंग पे, कीपिंग पे, जहाँ खड़ा कर दे वहाँ अपना खेल का प्रदर्शन शानदार होना चाहिए, इतना ही ध्यान देते थे। नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा, पार्टी जो कहेगी वो आप करेंगे या नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा आप करेंगे, लेकिन एक इच्छा, मतलब आपको लगता है कि हमें इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए उनको भटकने नहीं देना चाहिए, नियंत्रण दिमाग से करना चाहिए उनका। डॉक्टर साहब एक चीज और है कि आप, ये कहा जाए इस चेहरे के पीछे आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं, और आपकी ऐसी कौन सी, जो बाकी समय आप कुछ समय बचता है कुछ करते हैं, क्योंकि लोग अब आप क्योंकि मध्य प्रदेश में वो चेहरा है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसके अलावा आपके खाली समय रहता है, तो आपके और क्या व्यक्तित्व के रूप में? खाली समय रहता ही नहीं, नहीं रहता है, आप हम लोगों के साथ कई बार हुआ है ऐसा, आप बिल्कुल बाकी जो अगर जिसको आप बाकी वो खाली मानते हो तो फिर खाता हूँ और सोता हूँ। छंद है, चौपाई है, या आपको क्या नहीं, या स्रोत है, सब आपके लोग कंठस्थ हैं, लेकिन एक बात यह है कि आपका संगीत से भी उतना, मतलब जैसा हमें मालूम पड़ा कि आप बाथरूम सिंगर हैं, कभी यही थोड़ा सा हो जाए आखिरी चलते चलते? बिल्कुल अभी नहीं, उसके लिए अलग से माहौल अलग से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल माहौल ही बनाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अगले हफ्ते
फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।